नेक्स्ट जो आपको पता है इनकम टैक्स की भी हमारे रिवीजन सीरीज जो है 100 परसेंट चार्ट जो है वो भी शुरू कर दी जा चुके हैं उसका लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम क्या है लीवरेज ठीक है लीवरेज में सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली में सबसे पहले मीनिंग ठीक है जो एक्चुअली में कंफ्यूजिंग बच्चों को रहता है इसमें एक चीज और मैं बता दू आप, आपको बच्चों एक्चुअली में आपको इस चैप्टर में कम से कम छह से आठ नंबर की वेटेज है बहुत ही जी हाँ बिल्कुल सबसे छोटा चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे छोटा चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट है कम से कम तीन से चार क्वेश्चन आपको थ्योरी के आने वाले हैं और कम से कम दो से तीन क्वेश्चन एटलीस्ट दो से तीन क्वेश्चन प्रैक्टिकल के भी आने वाले हैं आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर आप पिछले एग्जाम को खोल के देख लीजिए आपको सभी पेपर में पता लग जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन एक्चुअली में एग्जाम में इस चैप्टर में से देखने को मिलते हैं ठीक है जी चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे लीवरेज 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 मीनिंग ऑफ पहले एक्चुअली में होता क्या है लीवरेज होता है कि हम लोग एक एफर्ट्स डालकर थोड़ी एफर्ट डालकर मैक्सिमम रिवॉर्ड मैक्सिमम रिटर्न निकालने की जिससे कोशिश करते हैं इज ए वेयर यू कैन अचीव मोर विद द लेस एफर्ट्स ठीक है जी उसके बाद कहते हैं मिनिमम इनपुट्स लीड टू मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम इनपुट डाल के मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करने की हम कोशिश करते हैं थ्रू लीवरेज ठीक है लीवरेज क्या है यूज ऑफ समथिंग किसी चीज का इस्तेमाल करना टू गेट मैक्सिमम एडवांटेज ठीक है जी जैसे कि हम मैं आपको अभी थोड़ी इनपुट डालकर आपके लिए सिर्फ आपका टाइम कितना ले रहा हूं मैंने डिविडेंड पॉलिसी हार्डली 25 मिनट में खत्म कर दिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल 28 से उनतीस मिनट में खत्म कर दिया मतलब मिनपुट मिनिमम इनपुट डालकर ज्यादा से ज्यादा आपका अपना लॉजिक इस्तेमाल करके अपनी अपनी एक्चुअली में टैलेंट यूज करके अपना एक्सपीरियंस यूज करके आपके लिए मैक्सिमम रिटर्न मैक्सिमम रिवॉर्ड निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूं दैट इज लीवरेज है ना लीवरेज क्या है मिनिमम इनपुट डालकर हम कुछ ऐसी एसेट का इस्तेमाल कर कर ऐसी एसेट का इस्तेमाल करके मैक्सिमम रिटर्न जो है एडवांटेज जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेजरिंग द बिजनेस रिस्क फाइनेंशियल रिस्क एंड ओवरऑल रिस्क ये एक्चुअली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस रिस्क को मेजर मेजर करने के लिए फाइनेंशियल रिस्क को और ओवरऑल अगर आप रिस्क कहना चाहो ओवरऑल रिस्क को बिजनेस में क्या ओवरऑल रिस्क इन्वॉल्व है उसको मेजर करने के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है लीवरेज क्या है इंप्लॉयमेंट ऑफ एसेट इंप्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट या सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर विच वम पे फिक्स कॉस्ट और फिक्स रिटर्न कहते हैं लीवरेज क्या है एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट एसेट को इम्प्लॉयड करना या सोर्स ऑफ फाइनेंस को इम्प्लॉयड करना किसके लिए इसके लिए फर्म क्या है कुछ पे करती है कोस्ट जैसे कि फिक्स कोस्ट पे करती है ठीक है कहते लीवरेज यूज बाय द बिजनेस एंटिटी टू क्वांटिफाई द रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर कहते जो बिजनेस एंटिटी है लीवरेज का जो इस्तेमाल करती है वो आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई क्या रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप है रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप है किस में डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर में डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर में रिस्क एंड रिटर्न का क्या रिलेशनशिप है कितना रिलेशनशिप है ठीक है उसको मेजर करने के लिए क्वांटिफाई करने के लिए लीवरेज का इस्तेमाल किया जाता है रिस्क एंड रिटर्न को क्वांटिफाई करने के लिए रिलेशनशिप मेजर करने के लिए क्वांटिफाई करने के लिए ठीक है लीवरेज कहते हैं इफेक्ट करता है प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द फर्म ठीक है जी लीवरेज प्रॉफिट अर्निंग को भी अफेक्ट करता है प्लस फाइनेंशियल हमारी जो स्ट्रेंथ है लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ है उसको भी अफेक्ट करता है चलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है लीवरेज मींस रिस्क अराइज लीवरेज का मतलब क्या है जो रिस्क अराइज होता है ड्यू टू द फिक्स कॉस्ट रिस्क अराइज ड्यू टू द फिक्स कॉस्ट आपको पता है जितना ज्यादा फिक्स कॉस्ट होगा उतना कंपनी पे रिटर्न निकालने की सेल निकालने की बर्डन होगी ठीक है रिस्क अराइज ड्यू टू द फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ठीक है जो रिस्क अराइज होता है फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वजह से जैसे कि रेंट है है ना इंश्योरेंस है डेप्रीसी है सैलरीज है ये फिक्स खर्चे वो फिक्स खर्चे फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं अब इसकी वजह से जो रिस्क अराइज होता है दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लीवरेज और जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस की फिक्स फाइनेंशियल एक्सपेंसेस की वजह से जो रिस्क अराइज होता है उसको हम क्या बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज जो फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव की वजह से रिस्क राइज होता है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लीवरेज फाइनेंशियल की वजह से वो फाइनेंशियल लीवरेज ठीक है जी इनकम स्टेटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझ लीजिए इसी में से ही आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल जरूर आ जाएगा ठीक है सबसे पहले क्या होता है जी सेल सबसे पहले सेल है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ये एक्चुअली मैं बताने वाली जरूरत नहीं है मेरे को क्योंकि ये आप लोगों ने पहले भी कहां पर सीएमए में कर चुके पेपर नंबर फाइव में आप लोग कर चुके हो ठीक है पेपर नंबर फाइव में ऑलरेडी ये चीज कर चुके हो कैसे कर चुके हो क्योंकि वहां पर आपने मार्जिन कॉस्टिंग में ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट अच्छे से कर रखी है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी ईबीटी माइनस टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया ये अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस कर दोगे प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दोगे ट्रांसफर टू तो जीआर ये क्या आ जाएगा ये क्या आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर

है ना डेट का क्या रोल है ये टेक्निकल क्वेश्चन आपको इस आपको यूनिट में से इस पार्ट में से बन सकता है कहते हैं हाई डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर अगर किसी कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का पोर्शन ज्यादा है डेट का पोर्शन ज्यादा है तो फिर क्या होगा वो हाईली लीवर्ड फॉर्म होगी वो फॉर्म हाईली लीवर्ड होगी और अगर किसी फॉर्म में लो डेट है तो वो लो डिवर्ड फॉर्म होगी अगर डेट है ही नहीं तो उसको क्या बोलते हैं अनलीवर्ड फॉर्म आपको ये पूछा जा सकता है कि लो लीवर्ड फार्म क्या होती है हाई लीवर्ड फार्म क्या होती है अनलीवर्ड फॉर्म क्या होती है ठीक है जिसमें हाई डेट जिस कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में हाई डेट इन्वॉल्व है हाई डेट इन्वॉल्व है तो वो क्या हो जाएगी लीवर्ड फार्म जिसमें लो है वो लो लीवर्ड फॉर्म जिसमें नहीं डेट है ही नहीं

ठीक है जीपी पी रेशो है रेशो है जो आंसर आता है किसी भी लेवल पर सेल लेवल पर जो जीपी आता है उसको हम क्या बोलते हैं परसेंटेज बीस परसेंट पंद्रह परसेंट पच्चीस परसेंट चालीस परसेंट ऐसे ही किसी भी लेवल ऑफ सेल पे जो डिग लीवरेज आती है उसको क्या बोलते हैं डिग्री डिग्री कितनी है, है ना जैसे तापमान डिग्री में मेजर किया जाता है वैसे ही जो लीवरेज है वो भी डिग्री में मेजर की जाती है ऑपरेटिंग लीवरेज अक्स वेन देर इज ए फिक्स कॉस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर किसी फॉर्म की operating leverage है, sorry, fixed operating expenses है, तो operating leverage होगा। नहीं है तो नहीं होगा ठीक है ऑपरेटिंग्स ऑपरेटिंग हैज नो फिक्स ऑपरेटिंग अगर फिक्स ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग लीवरेज होगा नहीं है तो नहीं होगा जितना मतलब क्या हो गया एक क्वेश्चन पूरा थ्रेटिकल इसमें से बन सकता है कि भाई अगर किसी फर्म का फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है तो ऑपरेटिंग लीवरेज भी लो होगा ठीक है अगर ज्यादा है तो ज्यादा होगा ठीक है ज्यादा है तो ज्यादा होगा ठीक है इसको मैं अभी आपको आ, बिल्कुल बता देता हूं पूरा एनालिसिस करके इट मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल ऑन लेवल ऑफ ईबीआईटी ये फॉर्मूला बताया हुआ है चलिए पहले मैं आपको फॉर्मूले को ही एक्सप्लेन कर देता हूं फॉर्मूला क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई टी और परसेंटेज चेंज इन ई बी आई टी डिड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल सर दोनों फॉर्मूले याद रखने बिल्कुल दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है किसी भी तरीके से ठीक है इसलिए दोनों फॉर्मूले याद रखिएगा कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई टी और दूसरा क्या है चेंज इन ई बी आई टी डिड बाई चेंज इन सेल ठीक है जी चलिए अब मैं आपको पहले जो हमने इनकम स्टेटमेंट के थ्रू आपको यहां पर कंपेरिजन करके दिखा देता हूं अब मान लीजिए जैसे जैसे हमने क्या पढ़ा था जैसे अभी हमने यहां पर पढ़ा था ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है जैसे मैंने आपको बोला जितना फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा उतना ऑपरेटिंग लीवरेज हाई होगा जितना फिक्स ऑपरेटिंग हाई होगा उतना ऑपरेटिंग लीवरेज हाई होगा अब वो कैसे चलिए मैं आपको फटाफट हूं अब मान लीजिए कॉन्ट्रीब्यूशन है सौ रुपए ठीक है फिक्स कोस्ट कितना है मान लीजिए चालीस है ठीक है तो ये कितना हो गया साठ हो गया फॉर्मूला क्या था कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाईटी कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड ईबीआईटी तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इस केस में कितना हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है हंड्रेड डिवाइड ईबीआईटी कितना हो गया साठ तो ये हो गया आपका हंड्रेड डिवाइड बाई सिक्सटी वन पॉइंट सिक्स सेवन ठीक है जी अगर अब मान लीजिए अब इसको हम डबल कर देते हैं फिक्स कोस्ट चालीस की जगह अस्सी कर देते हैं तो ये आपका कितना हो गया जी बीस हो गया ठीक है ईबीआईडी कितना हो गया ट्वेंटी हो गया फॉर्मूला क्या था कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड ईबीआईटी कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था आपका सौ सौ और ईबीआईटी कितना है ट्वेंटी तो ये कितना हो गया फाइव टाइम्स फाइव टाइम्स आपके सामने ही है सौ परसेंट सौ परसेंट क्या बढ़ा सौ परसेंट आपका फिक्स कोस बढ़ा दो सौ परसेंट ठीक है 200 परसेंट आपका क्या बढ़ गया ऑपरेटिंग लीवरेज बढ़ गया है ना हायर कॉस्ट हायर द ऑपरेटिंग लीवरेज लोअर द फिक्स कोस्ट लोअर द ऑपरेटिंग लीवरेज ठीक है जी तो ये याद रखना ठीक है ये हंड्रेड परसेंट शोर रूम मैं ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ठीक है जी ये आपका फॉर्मुला भी हो गया ऑपरेटिंग लीवरेज के ऊपर एनालिसिस भी हो गए ठीक है ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या हुआ फॉर्मूलाइडीज इन सेल वाला तब लगेगा जब क्या है जब दो पीरियड की इंफॉर्मेशन है एक और बहुत जबरदस्त चार्ट आ गया एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज का एनालिसिस क्या है कहते हायर फिक्स कॉस्ट जितनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट होगी मैंने क्या बताया ऑपरेटिंग और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लीवरेज हायर द ब्रेक इवन सेल ठीक है जी हायर द ऑपरेटिंग लीवरेज हायर द ब्रेक इवन सेल ब्रेक इवन सेल समझते हो ना जितनी ज्यादा आपको पता है ब्रेक इवन सेल होती है उतना ज्यादा कंपनी के लिए खतरनाक है क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट बहुत कम होगा मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा से सेल करनी पड़ेगी अपने खर्चे वेरिएबल कोस प्लस फिक्स कोस को रिकवर करने के लिए ठीक है जितना ज्यादा ब्रेक एवन सेल होगा उतनी कम एमओस होगी जितनी कम एमओस होगी उतना कम कंपनी का प्रॉफिट होने के चांसेस है ठीक है तो मतलब क्या हुआ जितनी ज्यादा ऑपरेटिंग लीवरेज होगी उतना कंपनी के लिए डेंजरस होती जाएगी ठीक है हायर द ऑपरेटिंग फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हायर द ऑपरेटिंग लीवरेज हायर द ऑपरेटिंग लीवरेज हायर द ब्रेक एवन सेल ब्रेक इवन सेल लोअर द मार्जिन ऑफ शिफ्टी लोअर द मार्जिन ऑफ शिफ्टी विल बी द प्रॉफिट ठीक है तो इस तरीके से जरूर याद रखिएगा जितना ऑपरेटिंग लिवरेज होगा वो उतना ज्यादा रिस्क है ठीक है जी देर फोर लो ऑपरेटिंग लिवरेज इज प्रेफरेबल इसलिए लो ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है प्रेफरेबल है ठीक है जी क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व कम है उसमें ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल लीवरेज फाइनेंशियल लीवरेज क्या है अब सिंपली सब कुछ ऑपरेटिंग लीवरेज की जगह फाइनेशियल ऑपरेटिंग लीवरेज के कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल पे अप्लाई करते जाइए वहां पर फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस फाइनेंशियल एक्सपेंसिस हैं ठीक है वहां पर फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस था यहां पे फिक्स फाइनेंशियल एक्सपेंसिज हैं बस बाकी सब कुछ सेम ही है फाइनेंशियल लीवरेज क्या डिफाइन करता है रिस्क जो अराइज होता है ड्यू टू द फिक्स फाइनेंशियल एक्सपेंसिस रिस्क अराइज ड्यू टू द फिक्स किस वजह से

कहते हैं, अब ये फॉर्मूला बताया हुआ इट रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन ईपीएस एंड चेंजेस इन ईबीआईटी कहते हायर फाइनेंशियल लीवरेज सिग्निफाइज दैट फॉर्म विल हैव ए हाई फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जितना ज्यादा देखो सिंपल सी बात है यहां पर भी यहां पर भी इसी तरीके से एनालिसिस करेंगे हम लोग जितना ज्यादा पनेश, फिक्स फाइनेंशियल एक्सपेंसिस होगा उतना ज्यादा फाइनेंशियल लिवरेज होगा जितना ज्यादा फाइनेंशियल लिवरेज होगा उतना ज्यादा आपको फाइनेंशियल ब्रेक पॉइंट होगा ठीक है जी अब इसको फॉर्मूले क्या किस तरीके से कर सकते हो ईबीआईटी डिवाइड बाईटी ईबीआईटी डिवाइड बाईटी ठीक है या फिर चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाई चेंज इन परसेंटेज इन ईबीआईटी e परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ईपीएस भी लिख सकते हो या फिर ईबीटी भी लिख सकते हो ठीक है परसेंटेज चेंज इन ईबीटी और डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ठीक है ये आपका फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा ठीक है उसके बाद चलते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज फाइनेंशियल लीवरेज के क्या एनालिसिस हैं अब देखिए जितनी ज्यादा हमने क्या बोला जितनी ज्यादा फिक्स फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होंगे मतलब जितनी ज़्यादा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होंगे उतनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा फाइनेंशियल लीवरेज होगी जितनी ज़्यादा फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस होंगे उतने ज़्यादा फाइनेंशियल चार्जेस और फाइनेंशियल लीवरेज होगी जितनी ज़्यादा फिक्स फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होंगे उतनी ज़्यादा फाइनेंशियल लीवरेज होगी और जितनी ज़्यादा फाइनेंशियल लीवरेज होगी उतनी ज़्यादा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होगा जितना ज्यादा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होगा उतना ज्यादा वो रिस्कियर होगा इसका मतलब है ये भी क्या है ये भी हमारे लिए क्या है प्रेफरेबल है लो फाइनेंशियल लीवरेज प्रेफरेबल है अब इसके बाद तीसरी जो लीवरेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं तीसरी लीवरेज जो होती है वो होती है कंबाइंड लीवरेज ठीक है जी कंबाइंड लीवरेज अब अब कंबाइंड लीवरेज को निकालने का तरीका बड़ा आसान होता है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज निकालने का तरीका बहुत आसान होता है सिंपली आप क्या कर सकते हो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज ठीक है या फिर इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है इसका फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव कर सकते हो ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या फॉर्मूला था कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टी फाइनेंशियल लीवरेज का क्या था ई डिवाइड तो ईबीआईटी के साथ ईबीआईटी कट जाएगा तो फॉर्मूला क्या हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाईटी कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड ईबीटी ये हमारा किस चीज का फॉर्मूला हो गया ये हमारा हो गया कंबाइंड लीवरेज का कंबाइंड लीवरेज का मतलब क्या है ओवरऑल रिस्क कंबाइंड लीवरेज का मतलब क्या है ओवरऑल रिस्क इन्वॉल्व इन द फॉर्म जैसे हमने पढ़ा एक्चुअली में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल रिस्क बिजनेस रिस्क ओवरऑल रिस्क मेजर करने की जरूरत होती है है ना आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है क्वांटिफाई करने की जरूरत होती है तो कंबाइंड डिलीवरी से क्या हुआ ओवरऑल रिस्क मेजर हो गया ऑपरेटिंग रिस्क ऑपरेटिंग रिस्क प्लस फाइनेंशियल रिस्क दोनों को मिला के जो रिस्क बना वो क्या हुआ ओवरऑल रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस एंटिटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो कुल मिला के बच्चों आप लोगों को किस किस तरीके के क्वेश्चन करने हैं इस चैप्टर में एक तो मैंने आपको जो ऑपरेटिंग लीवरेज फाइनेंशियल लीवरेज कंबाइंड लीवरेज के बारे में बताया इन तीनों को समझ लीजिए आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दो से तीन क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल आने वाले हैं ठीक है तीनों का देख लीजिए बेषक पिछले क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर निकालिए उसको एनालिसिस करिए चेक करिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखिए अब मेरा लेक्चर लगाने के बाद ये लेक्चर लगाने के बाद अब आप एक काम करिए अपना पेपर ओपन करिए क्वेश्चन पेपर ओपन करिए है। है? पे एग्जामिनेशन क्वेश्चन के साथ तो वहां पे आप ओपन करिए तो जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको एक्चुअली में जो मैंने आपको बोला एक पेपर में कम से कम दो से तीन क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल देखने मिलने वाले हैं ऑपरेटिंग फाइनेंशियल और कंबाइंड डिलीवरीज के उसके बाद साथ साथ जैसे मैंने आपको एनालिसिस बताई ऑपरेटिंग लीवरेज के ऊपर के, 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 के निकल आता है प्रैक्टिकल नहीं आप कह सकते वो जैसे हमने बोला अब क्वेश्चन क्या किस तरीके से आएगा उन्होंने बोला कि हाई फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट होने से क्या होगा ब्रेक इवन पॉइंट कम होगी हो ज्यादा होगी क्या होगी अब आप दिमाग लगाइए हाई फिक्स ऑपरेटिंग होने से क्या होगा ऑपरेटिंग सेल ज्यादा हो जाएगी तो हायर द ब्रेक सेल आंसर हमारा हो गया ठीक है अब वो पूछ सकते हैं ये कि भी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा ऑपरेटिंग लीवरेज हाई होने से मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे क्या होगा जितनी ज्यादा ऑपरेटिंग लीवरेज ज्यादा होगी उतना लोअर मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा जितनी ज्यादा ऑपरेटिंग लीवरेज होगी उतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होगा ठीक है जी ऐसे ही फाइनेंशियल लीवरेज में पूछ सकते हैं भाई हाई फाइनेंशियल लीवरेज से क्या होगा हाई फाइनेंशियल लीवरेज से हाई ब्रेक इवन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा ठीक है तो मतलब कहने का क्या है अब वो कह सकते हैं कि हाँ जी बताइए अगर किसी कंपनी का फिक्स कॉस्ट कम है तो उससे ऑपरेटिंग लीवरेज पे क्या इंपैक्ट होगा लो फिक्स ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग लीवरेज ठीक है और लो हाई द फिक्स कोस्ट हाई फिक्स ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब जो हमने कंटेंट पढ़ा उसी में से ही समझ के चलिए घूम गुम घुमा के क्वेश्चन आपको टोटली बनने वाले हैं ठीक है आप एक बार ये पूरा लेक्चर देखने के बाद अच्छे से एग्जाम के क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए फिर आपको पता लग जाएगा कि हमारा मैक्सिमम आप सोचोगे कि इतने थोड़े ड्यूरेशन में हमारा चैप्टर रिवाइज हो गया बिल्कुल हो गया जी सब कुछ हो गया अब सिर्फ इसके बाद आपको क्या करने हैं जो मैंने लगवाए फॉर्मुले इनकम स्टेटमेंट करवाई ठीक है उसको अप्लाई करके देखिए अपने पेपर में ऐसे 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 क्वेश्चन होंगे तो आप याद रखोगे कि क्या संदीप सर ने जबरदस्त रिवीजन करवाई थी ठीक है बच्चों तो अभी तक हमारे चैनल पे बने हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा पहले के दबाना मत भूलिएगा और बच्चों प्लीज 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 अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जिससे क्या है मैक्सिमम स्टूडेंट जो है एडवांटेज इसका उठा पाए और जिससे क्या है हमारा भी जो मोटिव है मेन कि भाई ये जो चीज़ है एक्चुअली में कंटेंट जो हाँ अच्छा कंटेंट है वो सभी लोगों के साथ स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जाए जिससे मैक्सिमम लोग बेनिफिट उठा सकें और आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आए बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा और आज के लिए इतना ही बच्चों थैंक यू गुड बाय